प्रयागराज में धनगर समाज के लोगों का धरना प्रदर्शन जारी। आज तीसरे दिन भी धनगर समाज के लोग धरना स्थल पर बैठे रहे। यहाँ प्रयागराज सिविल लाइन पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर धनगर समाज के लोग प्रयागराज के समस्त तहसीलदारों तथा जिला प्रशासन के खिलाफ धनगर जाति का प्रमाण पत्र न बनाए जाने के विरोध में क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। क्रमिक अनशन का तीसरा दिन है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होलकर सेना के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट विवेक पाल टाइगर जी व एडवोकेट आशीष पाल जी का कहना है कि यदि प्रयागराज की जिला प्रशासन जल्द ही समस्त तहसीलदारों को निर्देशित कर हमारे धनगर समाज का धनगर सर्टिफिकेट जारी नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में ये आक्रामक अनशन का स्वरूप बदल सकता है, जिसमें असंवैधानिक दायरे में रहकर अपनी भेड़ बकरियों के साथ जिला प्रशासन का घेराव किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रयागराज जिला प्रशासन की होगी। समर्थन करने आए हम लोगों के प्रिय भाई हमेशा संघर्ष में साथ देने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ चुके उच्च छात्र नेता राकेश पाल जी हम चाहेंगे कि दो सकते हैं। साथियों, जिस तरह से धनगर समाज के साथ प्रयागराज में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक अनदेखा जैसे किया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे जिले में एक नया मूवमेंट जो लागू हुआ है। आंदोलन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन जो एक क्रमिक अनशन की शुरुआत किए बड़े भाई आशीष पाल एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के शानदार एडवोकेट बड़े भाई विवेक पाल टाइगर, बड़े भाई श्यामचंद पाल जी, सैल पाल जी, ज्ञानेंद्र पाल जी, अनुराग अन्ना जी और सारे साथी आए और धनगर समाज के इस मूवमेंट को जो निरंतर धार देने का काम कर रहे हैं, ये एक बड़े ही पूरे समाज की एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी लड़ाई है। और इस लड़ाई में मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे प्रयागराज के धनगर गडरिया बघेल पाल समाज